आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे चर्चा करेंगे। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन ये क्या होता है, या इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन यानी कि हमारे शरीर में डाइजेशन जो है वह कैसे होता है। हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड रहता है यानी कि फैट और न्यूक्लिक एसिड, यही चार सब्सट्रेट है जिसको डाइजेशन की जरूरत होती है हमारे शरीर में। तो अब इस चारों का डाइजेशन हमारे शरीर में कैसे होता है, इस चारों का डाइजेशन होने के लिए हमारे शरीर में अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कार्बोहाइड्रोलाइसिस होता है या एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपोलाइटिक या स्टोरेज एंजाइम होता है और न्यूक्लिक एसिड के लिए डीएनए आरएनए सब पाया जाता है हम लोगों के शरीर में। तो हम देखेंगे कि ये जो डाइजेशन होता है तो अलग अलग कंपोनेंट का कैसे डाइजेशन होता है। तो भोजन के जो मेन कंपोनेंट है, तो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट या तो पॉलीसेक्राइड के रूप में लेते हैं या ओलिगोसेक्राइड के रूप में हम लोग इस दोनों को लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट को या तो पॉलीसेक्राइड के रूप में लेते हैं या ओलिगोसेक्राइड के रूप में लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो पॉलीसेक्राइड है या ओलिगोसेक्राइड है इसका डाइजेशन कैसे होगा। तो पॉलीसेक्राइड का सबसे जो हम लोग भोजन में लेते हैं वो स्टार्च है, और स्टार्च प्लांट का रिजर्व फूड है। प्लांट का रिजर्व फूड है यानी कि जो प्लांट में पाया जाता है। तो अब प्लांट में ये पाया जाता है तो इसका डाइजेशन कैसे होता है। तो हमारे शरीर के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स जैसे बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टोमैक, इंटेस्टाइन, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो अब इन सब में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह के एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में निकलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड से, और वो भोजन का डाइजेशन करते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कैसे डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो सबसे पहले जो हम लोग भोजन लेते हैं वो भोजन जाता है बकल कैविटी में। तो सबसे पहले देखेंगे कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वह कैसे होता है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पहला नंबर इन बकल कैविटी, बकल कैविटी में कैसे डाइजेशन होता है। तो बकल कैविटी में, ह्यूमन में बकल कैविटी में तीन पेयर सेलिवरी ग्लैंड पाया जाता है, थ्री पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन बकल कैविटी ऑफ मैन। तो तीन पेयर सेलिवरी ग्लैंड पाया जाता है जो क्या सेक्रेट करता है, सेलिवा। तो तीन पेयर जो सेलिवरी ग्लैंड होता है वो सेलिवरी ग्लैंड सेलिवा सेक्रेट करता है। तो अब इस सेलिवा में एक एमाइलोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, एमाइलोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सेलिवरी एमाइलेज या टाइलीन। ये इंजाइम
बकल कैविटी में जो फूड है, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन करता है। अब क्या है कि जैसे ही बकल कैविटी में भोजन जाता है तो टीथ भोजन को चबाता है, तो चबाने के दौरान और मस्टिकेशन के दौरान क्या होता है कि सलाइवा पूरे भोजन में मिल जाता है, और क्या होता है कि सलाइवा जो है सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन को बढ़ जाता है, क्योंकि सलाइवा पूरी तरह से भोजन में मिक्स हो जाता है तो सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन बढ़ जाता है। तो अब हम लोग ये एमाइलोलाइटिक एंजाइम जो है सलाइवरी एमाइलेज, ये 6.8 पीएच पर सबसे बेहतर तरीके से काम करता है और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में, यानी कि बकल कैविटी में क्या होता है स्टार्च टूट जाता है माल्टोज प्लस आइसो माल्टोज में, किसके प्रेजेंस में सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में, और पीएच 6.8 एंड क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज और आइसो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है 6.8 पीएच पर और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सलाइवरी एमाइलेज। इस पीएच पर और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है सलाइवरी एमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज और आइसो माल्टोज में बदल देता है। तो अब क्या है कि ये स्टार्च जैसे ही हम लोग भोजन को निगलते हैं तो ये फूड पहुंच जाता है स्टोमेक में, तो स्टोमेक में होता है एसिडिक कंडीशन जिसके कारण सलाइवा का एक्शन बंद हो जाता है। तो स्टोमेक में एसिडिक कंडीशन के कारण सलाइवा का एक्शन बंद हो जाता है, लेकिन ये सलाइवरी एमाइलेज 20 मिनट्स तक वर्क करते रहता है, 20 मिनट्स तक काम करता है, जिसके कारण ये 30-40% स्टार्च का डाइजेशन कर देता है, यानी कि सलाइवरी एमाइलेज के कारण कंप्लीट स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होता है, केवल 30-40% स्टार्च डाइजेस्ट होता है और भोजन स्टोमेक में पहुंचता है। तो इस तरह से बकल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज एक एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। दूसरा हो गया डाइजेशन इन ओसोफेगस, किसका तो कार्बोहाइड्रेट का ही, तो इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि ओसोफेगस में कोई एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं सिक्रेट होता है, इसलिए इसमें अलग से कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल सलाइवरी एमाइलेज जो डाइजेशन होते रहता है सलाइवरी एमाइलेज के कारण वही डाइजेशन चलते जाता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ एमाइलोलाइटिक एंजाइम। एमाइलोलाइटिक एंजाइम के कमी के कारण ओसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है, सलाइवरी एमाइलेज जो डाइजेशन स्टार्ट रहता है बकल कैविटी से उसी के कारण डाइजेशन होते रहता है। तीसरा स्टोमेक,
स्टोमैक में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ एमाइलोलाइटिक एंजाइम। क्योंकि स्टोमैक में भी गैस्ट्रिक जूस में भी कोई एमाइलोलाइटिक एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसीलिए स्टोमैक में भी कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भोजन का डाइजेशन कैसे होता है, इन इंटेस्टाइन अब क्या है कि जो चाइम है, चाइम हो गया एसिडिक फूड प्रेजेंट इन स्टोमक। स्टोमक में जो भोजन होता है, जो एसिडिक फूड होता है ड्यू टू एसीएल एसिडिक हो जाता है, तो उस भोजन को चाइम कहते हैं। अब ये फूड चाइम जो है यह कहां आएगा, कम्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इस चाइम में मिक्स होगा क्या, मिक्स विथ बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस। ये तीनों इस चाइम में मिक्स होगा, तो इसके मिक्स होने के कारण क्या होता है, चाइम जो एसिडिक नेचर का होता है कन्वर्टेड इनटू चाइम, ये हो गया बेसिक नेचर। क्योंकि बाई जूस पैनक्रियाटिक जूस का बाय कार्बोनेट, इंटेस्टाइनल जूस का बाय कार्बोनेट उस मीडियम को एसिडिक से बेसिक बदल देता है। चूंकि पैनक्रियाटिक इंजाइम और इंटेस्टाइनल इंजाइम बेसिक मीडियम में काम करता है, तो इसीलिए जो बाय कार्बोनेट्स है वो मीडियम को बेसिक बना देता है। तो अब इस बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो देखेंगे कि पैनक्रियाज में पैनक्रियाज सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला बायकार्बोनेट मीडियम को बेसिक बना दिया, और पैनक्रियाटिक जूस में एक सिंगल एमाइलोलाइटिक एंजाइम होता है, सिंगल एमाइलोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। अब क्या है कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो रेस्ट स्टार्च आता है, जो रेस्ट स्टार्च आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज पीएच 8.8, इस पीएच पर स्टार्च को बदल देता है माल्टोज और आइसो माल्टोज में। माल्टोज और आइसो माल्टोज में स्टार्च को बदल देता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज के कारण स्टार्च माल्टोज और आइसो माल्टोज में टूट गया। अब भोजन मिक्स होगा इंटेस्टाइनल इंजाइम के साथ, तो पैनक्रियाटिक इंजाइम्स जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज है वो जो रेस्ट होता है जो आता है 60-70% स्टार्च सेलेवरी एमाइलेज से बच करके उसको माल्टोज और एसो माल्टोज में बदल देता। तो अब फूड में माल्टोज और एसो माल्टोज हो गया, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम सिक्रीट होता है और इसमें
कई तरह के अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में कई तरह के एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम जो है इसमें मेनी टाइप्स ऑफ एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम में कई तरह के एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो भोजन का डाइजेशन करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये भोजन का डाइजेशन कैसे करते हैं। तो जो माल्टोज है यह डाइजेशन जो है पीएच 8.3 पर इंटेस्टाइन में होता है। तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए माल्टेज होता है जो ग्लूकोज में बदल देता है माल्टोज को। आइसोमाल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए आइसोमाल्टेज होता है जो ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टोज है लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में सुक्रोज है सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में बदल देता है। तो ये कई तरह के एंजाइम्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स जो क्या करते हैं ये जो डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड होते हैं इसको मोनोसैकेराइड में बदल देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है ये जो मोनोसैकेराइड है यानी कि डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट जो होता है किसी भी कंपोनेंट के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट वो उसका मोनोमर होता है। जैसे स्टार्च का मोनोमर या कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर ग्लूकोज होता है उसी तरह से इसलिए स्टार्च जो है ग्लूकोज में टूट जाता है। तो 80% जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का वो ग्लूकोज होता है और बाकी गैलेक्टोज फ्रुक्टोज सब होता है। तो अब क्या है कि ये एंजाइम्स उसको पचाता लेकिन कुछ लोगों में जैसे जो एडल्ट होते हैं इस तरह से डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया ग्लूकोज बन गया तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो गया लेकिन एडल्ट में लैक्टेज एंजाइम ज्यादा पाया जाता है तो इसलिए मिल्क का डाइजेशन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो लैक्टेज एंजाइम का सेक्रेशन घट जाता है। तो इसके घटने के कारण उम्र बढ़ने के साथ मिल्क का डाइजेशन बॉडी में पूरी तरह से नहीं हो पाता है जिस कारण से मिल्क जो है कर्ड बन जाता है इंटेस्टाइन में जिसके कारण CO2 या अनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है H2 गैस बनता है H2S या CO2 सब बनता है तो इनडाइजेशन का प्रोसेस होने लगता है। तो ये एडल्ट में लैक्टोज निकलता है लैक्टेज एंजाइम लेकिन ओल्ड एज में लैक्टेज का सेक्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो जो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है वो इस तरह से है कि ये डाइजेशन इस तरह से होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है हमारे शरीर में
और उसके लिए कौन कौन से एंजाइम्स जरूरी होते हैं।